अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशिफ और फ्रीलांसर्स फंडा ग्रुप में ये मेरी तीसरी वीडियो है। आज की जो स्किल है, जो सर्विस मैं बताने लगा हूँ, अगर हम उसको फाइवर पे सर्च करें, ऑडियो रिएक्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अगर मैं ऑडियो रिएक्ट स्पेक्ट्रम इसको करके सर्च करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 97 सर्विसेज अवेलेबल शो हो रही हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है क्या, लाइक अगर मैं यहाँ से सेलर को ओपन करूँ तो कोई भी लाइक जो आर्टिस्ट है, अगर उसने कोई अपना सॉन्ग रिलीज़ किया है या कोई कवर आर्ट डिलीट किया है, तो अक्सर ये होता है कि उनके पास विजुअल्स वगैरह के लिए वीडियो वगैरह वो नहीं बनाते, लाइक वो कुछ इस तरह की फिर जो एनिमेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं उसको क्लियर करूँ तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, एक्चुअली ये चीज़ है क्या। लाइक समथिंग, जब हम YouTube पे भी सर्च करते हैं, वहाँ पे जब लायरिक्स किसी भी सॉन्ग का बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह की जो वो है वीडियो वो शो करते हैं कि लाइक जो सॉन्ग चल रहा होता है तो उसके साथ साथ जो भी सॉन्ग में जो बेस होती है, जो चीज़ें होती हैं, तो फिर इस तरह की जो विजुअल्स है वो शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी को कहते हैं ऑडियो रिएक्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइक क्लाइंट जो है वो आपको अपना ऑडियो या जो भी सॉन्ग है वो देगा और आपने उसकी इस तरह विजुअलाइजिंग करनी है, ठीक है। तो ये काम बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें देखें लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना होने से ये बेहतर है ये चीज़, लाइक इसमें इतना कंपटीशन नहीं है और अगर इसमें बाय रिक्वेस्ट आती हैं तो आप इजीली इसमें जॉब विन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बंदा लेवल 2209 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो वो आपको करना कैसे, उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी वर्जन हो, 2015, 16, CS6 हो, CS5 भी वर्क करेगा, ठीक है। इसके लिए किसी कोई प्लगइन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक दूंगा, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वो जो फाइल है वो कुछ इस तरह की होगी, जब आप उसको ओपन करेंगे, अगर आपके पास CS5 वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस फाइल को ओपन करना है। अगर आप CS6 या CC कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की जो विंडो है वो सामने आएगी, जैसे कि मैं पहली वीडियो सामने आएगी, जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये टाइमलाइन विंडो, ये हमारी प्रीव्यू विंडो। तो यहाँ पर देखें, ये कुछ फोल्डर्स हैं, ऑडियो स्पेक्ट्रम थीम 1, ऑडियो स्पेक्ट्रम थीम 2, ऑडियो स्पेक्ट्रम थीम 3। तो मैं यहाँ से ऑडियो स्पेक्ट्रम थीम 1 को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर भी 3 डिफरेंट किस्म की जो है थीम्स हैं। लाइक अगर मैं स्पेक्ट्रम थीम 1 के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें, ये कुछ इस तरह की थीम है, स्पेक्ट्रम थीम 1/2, ये कुछ इस तरह की, लाइक इनमें सिर्फ कलर्स का चेंज है। अगर मैं स्पेक्ट्रम थीम 2 में जाऊँ तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम थीम 1, तो ये कुछ इस तरह है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट्स को आप शो दिखा सकते हैं कि मेरे पास इस तरह के मैं वर्जन बना सकता हूँ, वो उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईडी मन का फोल्डर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो म्यूज़िक है अभी इसको आप रहने दें, इसके ऊपर मैं आता हूँ। स्पेक यहाँ से पहले थीम सेलेक्ट कर लें, लाइक मैं कहता हूँ स्पेक्ट्रम थीम 1 ही मैंने यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है इसमें आप क्लाइंट का अगर लोगो है वो ऐड कर सकते हैं, अगर वो टेक्स्ट उसका कोई यूट्यूब चैनल है तो वो भी ऐड हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये देखिए, नीचे अगर लेयर पैनल में ये 3 लेयर्स हैं टेक्स्ट की, ऑडियो स्पेक्ट्रम और म्यूजिक विजुअलाइजर। मैं इसमें से जो म्यूजिक विजुअलाइजर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ लेयर को, ऑडियो लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक में लिख देता हूँ काशिफ, और स्पेक्ट्रम में मैं लिख देता हूँ लाइक, ठीक है। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ये टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट है, यहाँ पे ये कलर्स पैनल है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर आप
यहाँ से पहले टेस्ट को, फॉर एग्जांपल ये मेरी काशी टेस्ट ले रहा है, सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसको रेड कलर कर देता हूँ और प्रदीप को भी यहाँ से ग्रीन। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब आपने अपना म्यूज़िक ऐड करना है, जो भी म्यूज़िक है, लाइक अब ये स्पेक्ट्रम थीम 1x1 हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूज़िक रिप्लेस थीम 1x1 लेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑडियो है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। लाइक अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑडियो है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके इसको छोड़ देता हूँ, तो ये जो ऑडियो है इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारा ऑडियो जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, आप ये कितनी इसकी टाइमिंग बता रहा है, 3:59। अब ये यहाँ से म्यूज़िक रिप्लेस थीम जो है, ये वाली वीडियो विंडो ओपन है। हम बैक जाते हैं अपनी स्पेक्ट्रम थीम वाली विंडो में, तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि लाइक अगर आपके क्लाइंट की जो वीडियो है उसकी जो साइज लेंथ है, वीडियो की जो ड्यूरेशन है, लाइक अगर वो 5 मिनट से अबव है, तो फिर आप इसमें कैसे वो ऐड करेंगे। अगर हम, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, स्पेक्ट्रम थीम 1 पे क्लिक करके ऐड क्लिक करें और कंपोजिशन सेटिंग में जाएं, तो यहाँ पे देखें ड्यूरेशन अभी तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 3:59, क्योंकि हमारी टोटल जो वीडियो है, ऑडियो है, वो इतने सेकेंड की है। लाइक अगर इससे ज़्यादा बड़ी हो जाए, लाइक आपका ऑडियो प्ले हो रहा हो लेकिन यहाँ पे विजुअल ना शो हो रहे हो, तो यहाँ से आप जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो लूपिंग है वो ये आफ्टर इफेक्ट इंक्रीज़ कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको मैं क्वार्टर कर देता हूँ और आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है हमारा ऑडियो वो रिएक्ट स्पेक्ट्रम हुआ है। बेसिकली होता ये है कि जब हम डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में चीज़ों को रेंडर करते हैं, तो वहाँ पे अभी ये ऑडियो की लूपिंग सही नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ ऑडियो पे आऊँ तो देखें, अभी यहाँ पर ये सही तरह से ऑडियो लूप नहीं हुआ, तो ये अजीब सा इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। जब एक दफ़ा यहाँ पे प्रीव्यू रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन हम अगेन इसको प्ले करेंगे, तो ये परफेक्टली प्ले करेगा और जो ऑडियो वेव्स हैं वो यहाँ पर जो वीडियो की जो वेव्स शो हो रही हैं वो ऑडियो की बेस के साथ बिल्कुल मैच होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ और बेसिकली अब मैं इसको रेंडर करके ही आपको प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो रेंडर करने का सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि लाइक अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स CC 2017 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो एडोब मीडिया इनकोडर आपने डाउनलोड करना है CC 2017 ही। ठीक है, अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं तो आपने CS6 वर्जन ही मीडिया इनकोडर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉल करने के बाद आपने आना है फाइल रेंडर करने के लिए, फाइल एक्सपोर्ट ऐड टू एडोब मीडिया इनकोडर, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद एडोब मीडिया इनकोडर जो है वो ओपन हो जाएगा। याद रहे कि जो आफ्टर इफेक्ट जितना स्मूथली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है चीज़ों को प्ले करता हुआ, हो सकता है कि आप में के सिस्टम थोड़ी लैगिंग करे, तो ऑन द डिपेंड ऑफ योर सिस्टम, लैपटॉप के उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप लाइक आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन कम है, तो आप CS6 वर्जन यूज़ करें या 2015 वर्जन यूज़ करें या CS5 यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें ये आ गया है, यहाँ से आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, इसको IS264 रहने देना है। यहाँ पे अपनी लोकेशन देनी है कहाँ पे जो है ये हमारी वीडियो सेव हो, मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यस, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आइकॉन पे क्लिक कर देना है तो प्ले। उसके बाद ये फाइल रेंडर होगी। अब जो रेंडर होने का टाइम है वो भी डिपेंड करता है आपके जो सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर की उसके ऊपर, तो
मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, जैसे फाइल रेंडर होती है तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ऑलराइट, वीडियो जो है वो रेंडर हो चुकी है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या आउटपुट बनी है। तो बेसिकली आपने देखा कि जो ऑडियो की बेस है वो वीडियो की बेस के साथ बिल्कुल मैच हो रही है। लाइक जैसे ऑडियो की बेस बन रही है वैसे ही वीडियो की बेस जो है वो मूव हो रही है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।